आप सबको कुछ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा एक छोटा सा सपना पूरा हो रहा है आज। किचन का प्लेटफॉर्म मैं बनवा रही हूँ यहाँ पे। मैं जब 3.5 साल पहले आई थी, जैसा कि मैंने कई बार बताया है, तो सीमेंटेड ये प्लेटफॉर्म मैंने करवाया था। उस समय माइंड में नहीं आया कि उसमें टाइल्स लगवाया जाए, क्योंकि पता भी नहीं होता था कितना खर्चा आ जाएगा, क्या है। बस पेंटिंग करवाई और स्लैब को सीमेंटेड करवाया और चले आए। फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, फंगस लगता था और देख के गंदा लगता था। कई बार लोगों ने मुझे ट्रॉल भी किया मेरे किचन को लेकर के, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकारी क्वार्टर्स ऐसे ही होते हैं। तो हमने जब इस बार पेंटिंग लगवाई, सोचा क्यों ना एस्टिमेट पता करते हैं कि प्लेटफॉर्म कितने का बनता है। तो वो लगा हमारे तो बहुत बजट में है, हमें फालतू में इतना लगता था कि इतना ज़्यादा महंगा होता है, इतना कोई महंगा भी नहीं था। मैं बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल्ड पूरा कितने में क्या लगा। अगर आप में से कोई बनवाना चाहता है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बनवा लें, क्योंकि वन टाइम स्पेंट है ये, आपका इन्वेस्टमेंट है, और लेकिन बहुत ही प्यारा आपका किचन हो जाएगा। अरे क्या हो गया इसको, नीचे क्यों नहीं आ रहा? I'm so happy, finally मेरा किचन बन गया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। प्लान 10 बजे का था, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं 12 से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि क्या हो गया, किचन पे थोड़ा भिड़ गए और आप लोगों को दिखा भी नहीं पाए। किचन की क्लीनिंग में लगे हुए थे हम लोग सुबह से, बर्तन सारे धुल के पलट पलट के आए कि कल आएंगे जब वापस। सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ बहुत जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है हम लोग को। आगे बताऊंगी मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, व्लॉग में बने रहिएगा। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरा किचन बन गया है। कई लोगों का क्वेश्चन है कि पहले क्यों नहीं बनाया, आपके हस्बैंड तो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं लोगों के मन में। सबका जवाब मैं दूंगी, उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी कि क्यों मैं 3.5 सालों से ऐसे किचन में रह रही थी, क्या रीज़न है, सब बताऊंगी मैं आप सबको। एक एक करके ब्लॉग आते रहेंगे। अभी थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों से रोज़ कनेक्टेड रहूं, कुछ भी ब्लॉग लेकर के आऊं, कुछ भी इन द सेंस कि मतलब वैसे सोचा था मैंने बेसिकली कि आप लोगों को हेयर टिप्स, ब्यूटी टिप्स दूंगी, पर उसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। 4-5 दिन में जहाँ मैंने सारी सेटिंग की, तो फिर उसकी भी ब्लॉग वीक में आई प्रोमिस 2 ब्लॉग तो आएंगे ही आएंगे। हेयर एंड ब्यूटी के जो लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, मेरे बाल फिर से कैसे अच्छे हो गए, कैसे मेरी स्किन इतनी अच्छी है, क्या मेरा हेयर केयर, स्किन केयर रूटीन है, सब मैं लेके आऊँगी। तो हम लोग जा रहे हैं और मैं जल्दी ही बताऊँगी आप सबको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और पर्पस क्या है ये भी बताएँगे, लेकिन उसके लिए पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा लास्ट तक, सस्पेंस। प्लान तो हालाँकि बहुत कुछ था कि छुट्टियाँ में मैं 3-4 दिनों के लिए जाऊँगी, पर कुछ प्रोग्राम में सबके चेंजेस हुए, इस कारण हम लोग के प्रोग्राम में चेंजेस हो गए। फिर हम लोगों ने फाइनली पेंटिंग लगा दी। पेंटिंग लगाई तो सोचो कि एक दिन होगा, लेकिन 3 से 4 दिन लग गए और अभी भी हमारा कम से कम 3 दिन का काम बाकी है, मतलब पेंटिंग का नहीं बाकी है और सब कुछ व्यवस्थित करने में बाकी है। और जो सर की हेल्प के बिना नहीं हो सकता है, भारी सामान अकेले पॉसिबल ही नहीं है, तो उनकी छुट्टियों में मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, काफ़ी काम हो गया हमारा, लेकिन बड़ा सुकून है, घर साफ हो गया है। किचन मेनली हम लोग किचन और हस्बैंड का रूम जो बहुत ख़राब हो गया था वो ठीक हो गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को। और सजने के बाद ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है, पूरा डेकोरेट कर दूँगी, पूरा होम टूर मैं फिर से कराऊँगी। एक बार आपको याद होगा मैंने जनवरी में आप सबको अपना होम टूर कराया था, जब वो एकदम बेकार हो गया था। इस बार मैं कराऊँगी जब प्यारा सा हो गया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। अब जितना हम लोग बेहतर बना सकते थे इस घर को बना लिया है, और रहना तो यही है जब तक ईश्वर चाहे, जब तक जॉब की वो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट, फिर देखते हैं अगर ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। Yeah.
क्या पिछड़े देखो उनके मेले में। अरे नहीं भैया, हम लोग आते थे तो फिर ये पता नहीं कौन सी चुड़ैल है मेरे पीछे ने मुझे पकड़ी गए से, वो मुझे खींच ले आई तो फिर मेरे भाई से बिछड़ गया। ओ अरे ये वापस आ गया है। चलो मिल लो, प्यार कर लो तुम्हें प्यार। आज का तो कुछ सीन है नहीं कहीं का। कौन सा सीन? मतलब कहीं आने जाने का है सीन निकी घर रात में। हाँ 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 हेवन। तो ये खा रहे समोसे छोले हम लोग। ये कौन सी जगह है? मस्कनवा में ये है, चाय की दुकान है, बहुत अच्छी चाय मिलती है। और इतनी बारिश हो रही है तो इस बारिश में सोचा चाय पी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता कुछ भी नहीं किया, काम के चक्कर में सिर्फ चाय पी थी। क्या लगा ली? अरे वो उठ के खुद ही आवाज़ देगी, अंदर से खोल लेगी वो। देखो बारिश ले लिए। ऐसे खुल जाती है क्या? पहचान ही हो गए होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं गोरखपुर कुछ काम से। आगे के ब्लॉग में आपको पता चले क्या काम है, यहाँ पे क्यों आए हैं। टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम के लिए आए हैं। मैक्सिमम 24 आवर्स भी नहीं रहना है यहाँ पे, ज़्यादा बोल दिया, 16 आवर्स के लिए कह सकते आए हैं। तो जो भी ब्लॉग देख रहे हैं जिनको लग रहा है कि हम आए और उनसे मिले नहीं, उसे पहले ही सॉरी बोल दे रहे, क्योंकि मिलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं, किसी पर्सनल काम से हम आए हैं यहाँ पे। तो अगले व्लॉग में जुड़े रहिएगा मेरे साथ देखने के लिए कि गोरखपुर में क्या है, क्या करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस यू, मज़ा ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा यहाँ तक आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ तक आ गए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। पिक के बच्चे हैं लोग, क्यूट लग रहे हैं, वाकई भी क्यूट है, बहुत क्यूट है बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बहुत सारी मस्ती होगी यहाँ पे, कम टाइम में ज़्यादा उसको यूटिलाइज करेंगे, बेस्ट टाइम कोशिश रहेगी। तो रहिएगा मेरे चैनल पे, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।